कि शामिर साहब की है आज बारात और बारात हमारे घर से जा रही है भाई, तो सारे यहाँ जमा होंगे। भाई शामिर का फोन आया है, शामिर कह रहा है आप लोग इन सबको लेके वहाँ पहुँच जाओ। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में अम्मी? गलत बात, मुवानी क्या कहेंगे? मुवानी चक्कर दिया ना इसने। सही बात है, कल हम लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पे सारे बराती आएंगे, दूल्हा ने दे दिया धोखा, मुझे सब पे तरस आ रहा है। सही नहीं हुआ वैसे। Assalamualaikum guys, welcome back to a new vlog। तो भाई आज का vlog दोबारा शुरू कर रहा है आपका भाई शाम को 7 बजे, क्योंकि भाई दिन भर में आज बहुत सारे काम थे यार आपके भाई को, क्योंकि शामिर साहब की है आज बारात और बारात हमारे घर से जा रही है भाई। सारे मेहमान यहीं पर हमारे घर पर जमा होंगे, उसकी वजह यह है कि भाई शामिर साहब का ससुराल जो है हमारे घर के करीब ही है, तो सारे यहाँ जमा होंगे और फिर यहाँ से एक काफला लेके पूरी बारात लेके हम लोग जाएंगे शामिर साहब के ससुराल में। जी सारे यहाँ पे लोग जमा होंगे कि गाड़ियों में जाएंगे सब। हाँ ना यार, बारात ऐसी आती है भाई यार, अभी इसको पता नहीं बारात कैसे आती है, अभी नन्ना बच्चा है ना भाई ये। तो एनीवेज यार अभी भाई कपड़े शपड़े आपके भाई ने इस्त्री कर ली हैं, मैं आपको दिखा दूं, ब्लैक कलर की कुर्ता है आपके भाई का बुनन्जा का और गोल्डन कलर की मैंने इसमें शॉल डाल दूंगा, जाएगा बारात का लुक हो जाएगा भाई। और बस यार मेहमान आने का टाइम हो गया 8:30 बजे, सारे मेहमान यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो जल्दी 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 तैयार हो जाए और एक दो काम और हैं घर के वो जरा निपटा दूं मैं भाई, एक दो जगह बल्ब लगाने, बल्ब लगा कर आ जाऊँ और फिर चलते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि ऐसे टाइम गुजरता है फटाफट। 7:25 हाँ, तो फटाफट फटाफट तैयार होते हैं, पहले काम काज करके फारी को, उसके बाद तैयार होंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। आपका भाई हो गया रेडी बारात में जाने के लिए, भाई मेहमानों के आने का भी टाइम होने वाला है, तकरीबन 8:15 हो गए, 8:30 बजे से मेहमान आना शुरू कर देंगे, तो ऐसा लग रहा है आपका भाई दुपट्टा शुपट्टा पहन के वही कपड़े शपड़े कैसे लग रहे हैं यार, कोई तो कमेंट करके बता दिया करो भाई, यही बोल दिया करो भाई बहुत बुरा लग रहा है यार। भाई मैं खुश हो जाऊंगा इसी में, कम अज कम मैसेज तो कर दिया करो ना यार। तो एनी वेज भाई तैयार हो गए हम भी, अहमद साहब भी तैयार हो गए और हिरा और मुस्तफ़ा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा आपको पता है यार कितना तंग करता है, कितना परेशान करता है, जाना तो मैं करीब ही है जा सकती थी, लेकिन मुस्तफ़ा के चक्कर में हिरा नहीं जा रही है, हमारे पूरे घर की दावत थी, जाहिर बात है करीबी कज़न है भाई, मामू का बेटा है तो पूरे घर की दावत होगी ना भाई। तो फिलहाल मैं, खाला और अहमद जा रहे हैं, हिरा मुस्तफ़ा नहीं जा रहे हैं भाई, और बस इंतज़ार हो रहा है दूल्हा आएगा यहाँ पे, दूल्हा के घर वाले आएंगे, सारे मेहमान आएंगे और वन बाय वन मैं आपको दिखाता रहूँगा, और जो हमारे व्लॉग में आना चाहे वो आ जाए, जो नहीं आना चाहे वो नहीं आए, बिकॉज आई एम अ व्लॉगर यू नो डैट आल्सो। यार गाइस मेहमान आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ एक एक करके। भाई बैडी बेल बज गई है, यानी कि पहले मेहमान हमारे घर पर आ गए, पहले मेहमान कौन आए तो आइए चेक करते हैं भाई, पहले मेहमान कौन हमारे घर पे आए हैं, जिनको बहुत जल्दी थी शामिर की शादी की। कौन आया? मतलब दरवाजा खोल दिया बेटा। सबसे पहले आए हैं नदीम मामू। नदीम मामू को इतनी जल्दी थी कि शामिर की शादी जल्दी से हो जाए, उसकी शादी नहीं खत्म होके दे रही है, तो भाई तो मामू ने बोला जल्दी से जाओ बारात में भाई। 8:30 बजे सबसे पहले मामू आया भाई, नदीम अस्सलाम वालेकुम, हेलो मानी, तो भाई सबसे पहले ये आए तो इनको एक अवार्ड मिलना चाहिए सबसे पहले आने का, तब देखते हैं सेकंड पे कौन आता है। सेकंड मेहमान आ गए, ये हादी साहब, भाई मामानी भी आ गई है, चलो देखते हैं थर्ड मेहमान कौन सा आता है। अस्सलाम वालेकुम, देखिए मामू भी आ गए, सो गाइस आ गई है दादी और भी खाना भी आखिरी टाइम पे, वाह मैं आ गया हूँ बाहर से और हमारे मेहमान माशाल्लाह से आ गए सारे के सारे और बाराती भी आने वाले हैं घर पे भाई, सारी की सारी लेडीज बैठी हैं। और मामानी क्या हाल है? ठीक है, कल हमने आपको बड़ा मिस किया। आए हाय, ये जो बीपी है ना बड़ा खतरनाक होता है, तो नमक जेब में रख के घुमा करो ना, चीनी नमक, ताकि जो भी हो फौरन खा लो। ये बढ़िया था गुरु। तो भाई बच्चे बच्चे भी आए हैं शादी में जाने के लिए और बाराती निकल गए अपने घर से। अपने भाई शामिर का फोन आया है, शामिर कह रहा है भाई मैं अपने ससुराल पहुंच गया हूँ, आप लोग इन सबको लेके वहाँ पहुंच जाओ। जली ना तेरी भी जली ना। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में अम्मी? कुछ तो गलत बात, मुवानी क्या कहेंगे? मुवानी एक कमेंट, कुछ तो बोल रहे आप क्या? चक्कर दिया ना इसने। सही बात है, कल हम लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पे सारे बराती आएंगे और यहाँ से हम वहाँ जाएंगे ससुराल में, पहली अपनी दीदी को देने पहुंच गया हम लोगों को छोड़ के यार। हाँ ये बात, चलो आ जाओ भाइयों और बहनों और माओ, आ जाओ मैं तुम लोग अपनी गाड़ी में लेके चलता हूँ, आ जाओ सारे आ जाओ, चलो ना जूते पहनो बस चलो। यार शामिर ने दे दिया धोखा, बल्कि दूल्हा ने दे दिया धोखा, दूल्हा ने दे दिया हम लोगों को धोखा और खुद पहुंच गया अपने ससुराल।
हाँ नहीं तो ये बड़ी ज्यादती कर दी उसने हमारे साथ। शामिल ने गलत किया, शामिल ने गलत किया, शामिल को मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। अच्छा लग रहा ना मानी, मानी ने तारीफ कर दी आपके भाई की। जितनी खूबसूरत सब माई लग रही है ना, मैं नहीं समझता कि शामिर की बीवी भी लग रही होगी। माय गॉड, मैं अगर ये कमेंट किसी और को दूं ना तो वो यहीं से पूछ जाए। देखिए बेचारों को यार धोखे में रखा यार, मुझे सब पे तरस आ रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, गाड़ी मेरे पास गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितने बंदे आ सकते सबको ले जाऊंगा, बाकी उनके पास अपनी अपनी बाइकें तो है ना भाई। बल्कि एक काम करो ना, सारे पैदल चलो यार, खैर होती है। नहीं नहीं खाला, गाड़ी में ढालेंगे, मसला थोड़ी है। चलो भाई चलो गाइस, मिलते हैं शाम के ससुराल पे यार। गाइस भाई हम लोग आ गए हैं बारात वाली जगह पे, टेंट लगा हुआ है और ढोल ढपाड़ों की आवाजें आ रही है, यानी शामिर साहब ढोल वालों को भी साथ लेकर आए। आ जाओ बच्चो, नाचना है तुम सबको। हम डांस हो जाए यार, डांस हो जाए, भतीजे की शादी है ये भाई। शामिर साहब के दोस्त वगैरह लगे पड़े हुए, डांस हो रहा है, खड़े हुए बाराती। आजा आजा आगे आजा, थक गया भाई शामिर, थक गया भाई, बाजे कान में लग रहे थे ना। चलो जाओ तो भाई, ये पूरा सेटअप लगा हुआ है शामिर साहब की बारात का, क्योंकि इतवार वाले दिन शलीमा है, बारात प्लस वलीमा इज इक्वल टू शलीमा। इतवार को बड़ा लेवल का और बड़ा बिग इवेंट है भाई इतवार वाले दिन।
जी के आ जाइएगा। आजा भाई आजाओ भाई, बराती जा रहे हैं ऊपर जहाँ इवेंट हो रहा है, जहाँ पे सेटअप लगा हुआ है शायद, आई थिंक सो। सही नहीं हुआ इधर, मैं बोल सही नहीं हुआ, वैसे सही नहीं हुआ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, सारा आटा ये लगा कर आ गई घर पे, कुछ छोड़कर आई हो नहीं आई। आई चलेंगे लेडीज अंदर और जेंट्स सारे यहाँ पे आके बैठ गए, माऊ वगैरह और बस बैठे हुए यहाँ पे। जमील भाई वैसे आपका डांस जो है ना पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, पूरी दुनिया देखेगी, यूट्यूब पे देखेगी पूरी दुनिया। दुनिया को दिखाऊंगा मैं डांस, ये ना डांस क्या था वो, जो भी था खाना वाना लग गया भाई। खाने में सबसे पहले है चावल पुलाव, बकरी कढ़ाई, देन कबाब, मीठे में अखरोट का हलवा और ये चिकन टिक्के भाई, ये खाने में है भाई, देख सकते हैं आप। खाना स्टार्ट हो गया और मामू खाने निकालने हैं, मस्त हो गए भाई। तो गाइस हम भी खाते हैं भाई, मैं भी खाना वाना खाता हूँ, तो मिलता हूँ आप लोगों से बाद में थोड़ी देर के बाद। ये सारे आ गए और रुखसती का वेट हो रहा है, आ गया शामिल आ गया। फाइनली रुखसती हो रही है भाई, शामिल साहब आ गए और बस क्या दिख रहा है पलट पलट के क्या देख रहा है, जूते मिल गए तेरे भाई अपनी बहन को रुखसत करते हुए। फाइनली रुखसत ही और भाई मैं भी यहाँ पे इनको रुखसत करते हुए फाइनल ब्लॉग को करूँगा एंड। चलो भाई फाइनली 1 2 3 स्टार्ट, रुखसत ही और ये फाइनली रुखसत ही खत्म और सारे मेहमान भी अपने अपने घरों को रुखसत और अब हम भी अपने घर चलेंगे। मैं चलो बेटा चले भाई, फाइनली खाने खत्म और हम चलते हैं घर पे। आ रहे हैं बारात में से फारिग होके, सारी चीज़ें रस्ते में बसते कर करा के, रुखसती कर करा के फाइनली हम लोग अपने घर पर आ गए भाई। चलते हैं अंदर और करते हैं ब्लॉग को एंड। मुस्तफा साहब पानी पी रहे पहले मन बड़ी कुंडली। तो सो गाइस भाई बहुत थक गया यार, कर रहा हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। मिलता हूँ कल एक अच्छे और ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।